Our next term is isodiaphers. For isotopes, atomic number was same. For isobars, mass number was same. For isotones, number of neutron was same. For isoelectronic species, number of electrons will be same. और अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं isodiaphers, these are atoms of different element having difference in number of neutron and proton same. यानी isodiaphers जो है ये different elements के atoms हैं, इनका atomic number different होगा, atomic mass different होगा, physical property different होगी, chemical property different होगा, लेकिन this time इनका डिफरेंस जो होगा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, दैट विल बी सेम. तो मैं मेंशन कर देता हूं, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, विच मींस इन केस ऑफ आइसोडाफियर्स न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम हो जाएंगे. नॉर्मली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इक्वल भी होते हैं, बट अगर डिफरेंस देखेंगे तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नंबर में ज्यादा होगा. सिंस न्यूट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स, तो यहां पे आइसोडाफियर्स में हम लोग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस स्टडी करते हैं जो कि सेम मिलेगा. टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट we will take an example. So मैं दो different radioactive species यहाँ पे example में consider कर रहा हूँ. First is thorium and second one is uranium. Thorium और uranium दोनों ही radioactive species हैं. इनका nuclear notation में express करता हूँ. Thorium का symbol है TH, uranium is U. Thorium का atomic number 90, for uranium it is 92, and atomic mass of thorium is 234, and for uranium it is 238. Now atomic number सबके मैं express कर देता हूँ. अब सब atomic particles में atomic number या फिर number of proton की अगर बात करें तो thorium में 90 है and uranium में 92. एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो थोरियम के केस में एटॉमिक मास 234 है एंड फॉर यूरेनियम इट इज 238. अब हमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन चेक करना है. सो उसके लिए सबसे पहले हमें न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन मींस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. तो थोरियम के केस में कितना आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट विल बी 234 minus 90, which is 144. And for uranium, it is 238 minus 92. It will be 146. Very good. अब हमें neutrons तो मिल गए. अब हम लोग जो isodiaphers की property है, that is difference of neutron and proton, इसको check करते हैं. तो हमारी अब प्रॉपर्टी आ जाएगी, दैट इज न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, दैट इज द डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो फॉर थोरियम कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन हमने काउंट किया इट इज 144 एंड प्रोटॉन हमें पता है इट इज 90, तो डिफरेंस कितना मिला हमें, इट इज 54. एंड सिमिलरली फॉर यूरेनियम, न्यूट्रॉन इज 146 एंड प्रोटॉन इज 92. इसका डिफरेंस जो हमें मिला दैट इज ऑल्सो 54. सो इन दोनों स्पीशीज में डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, विच इज न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, इज सेम. सो ऐसे स्पीशीज को हम लोग आइसोडाफियर्स बुलाते. नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज आइसोस्टर्स. नाउ आइसोस्टर्स जो हैं, दे आर ऑल्सो atoms, molecules or ions which have same number of atoms, same number of electrons and even they will show same molecular structure.
यानी आइसोस्टर्स एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे एंड इनका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी ऑल्सो सेम। रीजन है कि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो बनेगा दैट विल बी सेम, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, दे आर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेकेंड पॉइंट, सिंस दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो दे डू हैव सेम स्ट्रक्चर। तो मैं मेंशन कर देता हूं, सिंस दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो दे हैव सेम स्ट्रक्चर। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी विल टेक एग्जाम्पल। अब यहां पे हम दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल वन, मैं दो डिफरेंट स्पीशीज कंसिडर कर रहा हूं, फर्स्ट इज मीथेन मॉलिक्यूल एंड सेकेंड इज अमोनियम आयन। यहां पे नोटिस करना कि मैंने एक नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंसिडर किया दैट इज मीथेन एंड सेकेंड मैंने जो एग्जाम्पल कंसिडर किया दैट इज अ कैटायन, अ पॉली एटॉमिक कैटायन दैट इज अमोनियम आयन। नाउ मीथेन का फॉर्मूला है CH4 एंड अमोनियम आयन को रिप्रेजेंट करते हैं NH4 प्लस से। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। अब मीथेन में 1 carbon, 4 hydrogen सो टोटल एटम्स कितने मिले, इट इज 5 atoms। नाउ सिमिलरली अमोनियम आयन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, तो यहां पे हम देख सकते हैं अमोनियम में 1 nitrogen atom है प्लस 4 hydrogen के एटम्स हैं। सो हियर ऑल्सो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, इट विल बी 5 atoms। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों स्पीशीज में नंबर ऑफ एटम्स सेम है। नाउ सेकेंड हमें चेक करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। वी नो दैट कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है विच ऑल्सो मीन्स कि कार्बन में 6 electrons होंगे। तो मैं मेंशन कर देता हूं 6 electron ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है विच मीन्स इनके अंदर 1 electron होते हैं और यहां पे टोटल 4 hydrogen हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं 4 × 1 electron ऑफ हाइड्रोजन। तो टोटल हम देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, इट इज 10 electrons। नाउ फॉर अमोनियम आयन सेम ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। सो नाइट्रोजन के केस में हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 7 है विच ऑल्सो मीन्स इसमें 7 protons एंड 7 electrons होते हैं। तो मैं मेंशन कर देता हूं 7 electron ऑफ नाइट्रोजन प्लस यहां पे हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है दैट इज 1 electron पर हाइड्रोजन। तो मेंशन कर देता हूं 4 × 1 electron ऑफ हाइड्रोजन। एंड क्योंकि ये एक कैटायन है सो इसके ऊपर +1 charge है विच ऑल्सो मीन्स कि इसने 1 electron लूज किया है बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज। तो इसका भी अगर हम टोटल देखेंगे हमें कितना मिलेगा, अगेन इट इज 10 electrons। एंड फाइनली इन दोनों स्पीशीज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मीथेन के केस में कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है एंड अमोनियम आयन भी सेम स्ट्रक्चर बनाता है। यहां नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एलिमेंट होता है और बाकी 3 hydrogen atoms नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं और 1 hydrogen कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है और इस स्पीशी पे +1 charge है। तो यहां पे दोनों स्पीशीज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर।
दोनों स्पीशीज सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स शो कर रहे हैं. नाउ एग्जांपल टू. नाउ यहां पे मैं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहा हूं और दिस टाइम दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल. फर्स्ट इज CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड इज N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड. नाउ फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 एंड फॉर नाइट्रस ऑक्साइड इट इज N2O. नंबर ऑफ एटम्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 1 एटम कार्बन प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो टोटल इट विल बी 3 एटम्स. फॉर नाइट्रस ऑक्साइड 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सो टोटल इज अगेन सेम दैट इज 3 एटम्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कार्बन इट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड फॉर ऑक्सीजन वी नो दैट कि एटॉमिक नंबर 8 है एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, सो 2 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल कितना आएगा, इट विल बी 22 इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रिक ऑक्साइड के एग्जांपल में काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 एंड 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, दैट मींस 2 इंटू 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन. अगेन 2 इंटू 7 दैट इज 14 प्लस 8 दैट विल बी 22 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों स्पीशीज में सेम है. एंड फाइनली देयर स्ट्रक्चर, सो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है इसमें कार्बन सेंट्रल एलिमेंट होता है एंड ये 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है ऑन इट्स बोथ साइड. एंड फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पे नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्डिंग. एंड फाइनली ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है. अब ये जो बॉन्डिंग के टाइप्स हैं ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में स्टडी करेंगे. और इन दोनों मॉलिक्यूल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें दे बोथ आर हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर. सो ये जो स्पीशी है दे आर आइसोस्टर्स जिनमें नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रक्चर सेम है.